हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 20x30, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको 2 शॉप मिलेंगी और 2 आपको फ्लैट मिलेंगे 1 BHK के। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट प्लान बना हुआ है 20x30 में, देख सकते हैं। तीन फिट का मैंने छज्जा दिया हुआ है, ये छज्जा आपका 3 फिट का दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है मेन गेट की। मेन गेट मैंने बीचों बीच आपको दिया है कुछ इस तरीके से। 3 फिट का आपका गेट लगा है, मेन गेट आपका 3 फिट का है। दोनों साइड आपको एक एक शॉप मिल जाएगी। इन दोनों दुकानों का साइज मैंने दिया हुआ है 7 फिट 10 इंच बाई 15 फिट, 7 फिट 10 इंच बाई 15 फिट इन दोनों का दुकानों का साइज है। देख सकते हैं इन दोनों दुकानों का साइज सेम दिया हुआ है 7 फिट 10 इंच बाई 15 फिट। उसके बाद आपको बीचों बीच आप गैलरी मिल जाएगी 3 फिट की कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। गैलरी मिलने के बाद आपको यहाँ पे हॉल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। पूरा आपको हॉल मिल जाएगा। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 14x19, 14x19 इस हॉल का साइज है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 फिट का जीना मिलेगा। जीना मैंने बीचों बीच इसलिए दिया है क्योंकि आपको ऊपर फ्लैट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों में बराबर का एरिया आपको मिलता रहे, इसलिए मैंने बीचों बीच आपको जीना दिया है। जीना आपका 3 फिट का है, जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया है, देख सकते हैं। जैसा कि आप जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया है। उसके बाद अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की। जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद पूरा कंप्लीट आपको फर्स्ट फ्लोर मिल जाएगा। जीने से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद आपको तुरंत आपको यहाँ पे दोनों आपको फ्लैट दिख जाएंगे, देख सकते हैं। 1 BHK के आपको 2 फ्लैट दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेट मैंने कुछ इस तरीके से दिया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। 3 फिट का आपको इंटीग्रेट दिया है, एक इस साइड से दिया है और एक आपको इस साइड से दिया है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इंटीग्रेट दिया है, तुरंत आपको जीना मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए, छत पे जाने के लिए, देख सकते हैं। इंटी गेट से आप इंटी लेंगे, इंटी लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे छोटा सा हॉल मिल जाएगा बैठक टाइप की, देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपको ओपन एरिया मिल जाएगा। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 6x8, 6x8 इसका साइज है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 फिट का एरिया मिलता है, ये आपको 3 फिट का एरिया मिलता है, देख सकते हैं। जीने के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगी, देख सकते हैं। जस्ट बगल में आपको एक किचन मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेट भी दिया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी उपलब्ध कराई आपको। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 6x7, 6x7 इस किचन का साइज है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगी, देख सकते हैं। जैसा कि आप एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगी आपको। इंटीग्रेट मैंने इस साइड से उपलब्ध कराया आपको, देख सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का साइज मैंने दिया हुआ है 6x4, 6x4 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 फिट का इंटीग्रेट दिखेगा। इस गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे एक आपको बेडरूम दिख जाएगा, देख सकते हैं। एक आपको यहाँ पे बेडरूम दिख जाएगा। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x10, 10x10 इस रूम का साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं। आपको बालकनी में आने जाने के लिए मैंने इंटीग्रेट उपलब्ध कराया आपको, वेंटिलेशन के लिए विंडो उपलब्ध कराया है, कूलर भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। 3 फिट का आपका छज्जा दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस रूम का साइज दिया हुआ है 10x10। उसके जस्ट बगल में आपको एक और फ्लैट मिल जाएगा। दोनों मैंने फ्लैट आपके सेपरेट बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। अगर इस गेट से एंट्री लेंगे तो आप इस साइड वाले फ्लैट में आ जाएंगे, देख सकते हैं। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस मिल जाएगी। कॉर्नर पे आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगी 6x7 की। उसके बाद आपको यहाँ पे 6x8 का यहाँ पे आपको हॉल मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 फिट की आपको गैलरी मिल जाती है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है 6x4 की, देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाएगा 10x10 का, देख सकते हैं।
दोनों रूमों मैंने आपको इंटीग्रेट दिए हैं बालकनी में आने जाने के लिए, देख सकते हैं दोनों रूमों मैंने इंटीग्रेट दिए हैं। दोनों रूमों मैंने आपको विंडो पर लगाई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अब बात आती है लास्ट में छत की, यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट आपको छत मिल जाएगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरी कंप्लीट आपको छत मिल जाएगी। फ्रंट की डिजाइनिंग मैंने कुछ इस तरीके से की है, देख सकते हैं आप, कोई कॉस्टली चीज यूज नहीं की है मैंने यहाँ पे, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।